आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके समक्ष महाभारत और कर्ण को लेकर टीवी सीरियल्स द्वारा फैलाए गए एक बहुत बड़े भ्रम का प्रमाण सहित खंडन कर दिया जाएगा। इससे पहले भी दो अन्य वीडियोस के माध्यम से कर्ण से संबंधित दो अन्य मिथ्याओं का खंडन मैं पहले ही कर चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने सोर्सेज के विषय में उन वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अन्यथा कुछ लोग कमेंट्स में टाइपिंग निंजा बनकर अपनी मूर्खता प्रदर्शित करेंगे। इस वीडियो में आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर 1 व्हाट्स इट अबाउट, चैप्टर 2 द सीक्रेट ऑफ कवच एंड कुंडल, चैप्टर 3 कर्ण वर्सेस गंधर्व, चैप्टर 4 कर्ण लॉस्ट अगेंस्ट अभिमन्यु, चैप्टर 5 द विराट बैटल, चैप्टर 6 कर्ण लॉस्ट अगेंस्ट भीम, चैप्टर 7 कर्ण एंड शल्य, चैप्टर 8 द एंड गेम। तो आइए अब पहले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 1 व्हाट्स इट अबाउट। कर्ण एक दुर्धर योद्धा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट इट्स अ बिग बट। आजकल सीरियल्स में कर्ण को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उससे बड़ा योद्धा तो कभी हुआ ही नहीं था। कभी कभी लगता है कि कल को कहीं ये टीवी सीरियल्स ये ना दिखा दें कि कर्ण ही महाभारत का सूत्रधार था, ना कि श्री कृष्ण। लोगों में अजीब से कल्पित किस्से भी व्याप्त हैं, जैसे कर्ण ने श्री कृष्ण और हनुमान जी सहित अर्जुन के रथ को धकेल दिया था। श्री कृष्ण के उतरते ही अर्जुन के रथ में आग लग गई थी और कवच कुंडल से युक्त कर्ण अजय था। आज इस वीडियो में कर्ण के सामर्थ्य का प्रमाण सहित चीरफाड़ कर इन सभी गप्पों का अंत कर दिया जाएगा। चैप्टर 2 द सीक्रेट ऑफ कवच एंड कुंडल। लोगों के मन में एक झूठ बहुत गहरा बैठा हुआ है, वह है कि कर्ण जब तक कवच कुंडल से युक्त था तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता था, स्वयं कृष्ण भी नहीं। तो आइए देखते हैं कवच कुंडल पर महाभारत में क्या लिखा है। महाभारत के अरण्य पर्व के ये श्लोक देखिए, जहां सूर्य नारायण स्वप्न के माध्यम से कर्ण को कवच कुंडल के विषय में बताते हुए कहते हैं, हे कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न हुए कल्याणकारी कुंडलों को दे दोगे तो तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। हे मानद, तुम मेरे वचनों को सच मानो कि जब तक तुम्हारे शरीर पर कवच और कुंडल है तब तक तुमको कोई शत्रु युद्ध में नहीं मार सकता। हे कर्ण, ये रत्न रूपी कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, अतः यदि तुमको अपना जीवन प्रिय हो तो इनकी रक्षा करो। तो यहाँ से स्पष्ट है कि कवच कुंडल से युक्त कर्ण का वध नहीं हो सकता था, परंतु उसे हराया ही नहीं जा सकता था, ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता। और यह सत्य भी है, कर्ण अनेकों बार पराजित भी हुआ है, जिनके रेफरेंसेस मैं आपको अभी देता हूँ। चैप्टर 3 कर्ण वर्सेस गंधर्व। आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि कौरवों और गंधर्वों के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का वर्णन मिलता है अरण्य पर्व में। पहले आपको इस युद्ध का बीज बताते हैं। उस राजा के अर्थात दुर्योधन के विवचन सुनकर सेना के आगे आगे चलने वाले वीर द्वैत वन में तालाब के पास जाकर गंधर्वों से कहने लगे कि महाराज, धृतराष्ट्र के पुत्र वहाँ बलवान राजा दुर्योधन वहाँ विहार करने आना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग भाग जाओ। हे राजन, उनके ऐसे वचन सुनकर गंधर्व हंसने लगे और उन सेना के पुरुषों से कठोर वचन बोले कि तुम्हारा दुर्योधन राजा महामूर्ख है, वह कुछ भी नहीं जानता, जो स्वर्ग में रहने वाले हम लोगों को अपने दासों के समान आज्ञा देता है, और तुम लोग भी मरना चाहते हो। निसंदेह तुम लोगों में भी बुद्धि नहीं है, जो उस मूर्ख के वचनों को हम लोगों से कहने आए हो, इसलिए तुम लोग उस कुरुवंशी राजा के पास लौट जाओ, नहीं तो हम अभी तुम सबको यमराज के पास भेज देंगे। तब गंधर्वों का और कौरवों का एक भीषण युद्ध हुआ था और कर्ण गंधर्वों से लड़ने लगा, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। तब सैकड़ों और हजारों गंधर्व इकट्ठे होकर कर्ण को मारने की इच्छा से युद्ध में कर्ण की तरफ दौड़े। महाबलवान गंधर्वों ने चारों ओर से खड़ग, परिग, शूल और गदा से कर्ण को मारते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया। किसी ने कर्ण के रथ के पहिए तोड़ दिए, किसी ने ध्वजा फाड़ दी, किसी ने धुरी तोड़ दी, किसी ने घोड़े मार दिए, किसी ने सारथी को मार गिराया, किसी ने छत्र, किसी ने कलश और किसी ने रथ के बंधन काट डाले। इस प्रकार हजारों गंधर्वों ने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सूत पुत्र कर्ण खड़ग और ढाल लेकर रथ से नीचे उतरा और विकर्ण के रथ पर चढ़कर वह युद्ध से छूटने के लिए घोड़ों को हाँकता हुआ भाग गया। हे राजन जन्मेजय, जब महारथी कर्ण गंधर्वों से हार कर और युद्ध को छोड़कर भाग गया, तब दुर्योधन के देखते देखते उनकी सब सेना भाग गई। और आश्चर्य की बात यह है कि गंधर्वों से पिटने और दुर्योधन के बंदी बन जाने पर कौरव सेना पांडवों की ओर भागी। यहाँ लिखा है, विविंचित चित्रसेन, विंद और अनुविंद तथा और सब राज स्त्रियों को पकड़कर गंधर्व चल दिए। तब गंधर्वों के द्वारा निरुत्साहित करके भगाई गई दुर्योधन की सब सेना पांडवों की तरफ गई। तब गंधर्वों और अर्जुन का एक युद्ध हुआ, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। गंधर्व राज चित्रसेन गदा लेकर अर्जुन की ओर दौड़े और उनका भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने अनेक बाण मारे। तब चित्रसेन बोला, इस युद्ध में लड़ने वाले मुझे अपना मित्र चित्रसेन समझो। पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने अपने प्रिय मित्र चित्रसेन को युद्ध में दुर्बल देखा तो अर्जुन ने युद्ध में छोड़े गए अपने बाणों को लौटा लिया। अर्जुन बोले, हे चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो महाराज
महाराज धर्मराज की आज्ञा से हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। वैशंपायन बोले, तब वे सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और जाकर उनका सब वृतांत कह सुनाया। अजातशत्रु महाराज ने गंधर्वों के वचन सुनकर सब कौरवों को छुड़ा दिया और गंधर्वों की बहुत प्रशंसा की। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जिन गंधर्वों से महान कर्ण पराजित हुए थे उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया और दुर्योधन इत्यादि को मुक्त कराया। तो भला दुर्धर योद्धा कौन हुआ, कर्ण या अर्जुन, स्वयं विचार कीजिए। चैप्टर 4 कर्ण लोस्ट अगेंस्ट अभिमन्यु। श्री कृष्ण और अर्जुन को तो छोड़िए, कर्ण कृष्ण के शिष्य और अर्जुन के पुत्र से भी हार गया था। मुझे पता है इस पर विश्वास करना कठिन है, तो चलिए प्रमाण देखिए। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार युद्ध में कुछ ऐसा घटित हुआ था। महाराज दुर्योधन ने राधा पुत्र कर्ण से इस प्रकार कहा, हे कर्ण देखो वीर दुशासन अभिमन्यु के वश में पड़ गया है। तब अभिमन्यु से दुशासन को रेस्क्यू करने के लिए कर्ण आया। अस्त्रों की विद्या जानने वालों में श्रेष्ठ परशुराम के शिष्य प्रतापी कर्ण शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष अभिमन्यु को युद्ध में अपने अस्त्रों से पीड़ित करने लगे। उस युद्ध का सार इन श्लोकों में है। देवताओं के समान पराक्रमी सुभद्रा नंदन अभिमन्यु राधा नंदन कर्ण की अस्त्र वर्षा से अत्यंत पीड़ित होकर भी समर में दुखित नहीं हुए, बल्कि शिला पर घिसकर तेज किए हुए चौके बलवाणों से दूसरे शूरवीर योद्धाओं के धनुष काटकर अर्जुन पुत्र फिर कर्ण को पीड़ित करने लगे। अनंतर अभिमन्यु ने कर्ण की ध्वजा और धनुष को काट के पृथ्वी पर गिरा दिया। उधर कर्ण अभिमन्यु के अनेक बाणों से विद तथा पीड़ित होकर वेगगामी घोड़ों की सहायता से युद्ध भूमि से भाग गए। तब उनकी संपूर्ण सेना एकाएक भागने लगी। तो जो कर्ण अभिमन्यु से ना जीत पाया हो, क्या वो कृष्ण और अर्जुन से जीत सकता था, स्वयं विचार कीजिए। चैप्टर 5 द विराट बैटल। विराट युद्ध में एक और पूरी कुरु सेना थी और एक और अकेला अर्जुन। वहाँ कर्ण ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बोला, कर्ण ओ आचे, मैं सभी चिरंजीवी योद्धाओं को डरे हुए घबराए हुए सभी के मन चंचल हुए और युद्ध करने में निरुत्साहित देख रहा हूँ। यदि यह राजा विराट या स्वयं अर्जुन ही युद्ध करने के लिए आया होगा तो भी मैं उसको इस प्रकार रोकूंगा जैसे तट समुद्र को रोकता है। तब कृपाचार्य ने कर्ण को समझाते हुए कुछ ऐसा कहा, अर्जुन से द्रोणाचार्य दुर्योधन भीष्म अश्वत्थामा तुम और हम मिलकर युद्ध करें। हे कर्ण तुम अकेले ही अर्जुन से लड़ने का साहस मत करो। तब वहाँ कर्ण का और अर्जुन का एक युद्ध हुआ था जिसका सार कुछ इस प्रकार लिखा गया है। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी के द्वारा मारे जाने पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है, उसी तरह क्रुद्ध होकर अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों को तुनीर से निकाल और कान पर्यंत खींच कर सूत पुत्र कर्ण की ओर चलाना आरंभ किया। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा छोड़े गए बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण हाथी से पराजित हुए दूसरे हाथी के समान अर्जुन के बाणों से व्याकुल हो गया और रणभूमि से भाग गया। तो कर्ण अर्जुन के समक्ष नहीं टिक पाता था, यह भी स्पष्ट हो जाता है। पर टीवी सीरियल ना जाने क्यों काल्पनिक पकौड़े तलते रहते हैं, इस पर आप स्वयं विचार कीजिए। चैप्टर 6 कर्ण लोस्ट अगेंस्ट भीम। जरासंध के वध के दिन अर्जुन और भीम मानो काल का रूप बन गए थे। तब भीम और कर्ण का एक युद्ध हुआ था जिसका वर्णन द्रोण पर्व के जयद्रथ पर्व में है। यहाँ लिखा है, संजय मेरे पुत्रों को भस्म करने की इच्छा से प्रज्वलित हुए भीम रूप अग्नि के समान कौन कौन वीर योद्धा युद्ध करने के लिए उसके आगे खड़े हुए थे, वह वृतांत तुम मेरे समीप में वर्णन करो। संजय बोले, महाराज जब महाबली भीमसेन उस प्रकार गर्जना कर रहे थे तब बलवान कर्ण ने तुमूल शब्द करके उन पर आक्रमण किया। राजन भीम और कर्ण के उस भयंकर युद्ध में उस समय महाभयंकर अनेक उत्पात और अपशकुन प्रकट होने लगे। आगे युद्ध का परिणाम कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, महाप्रतापी भीमसेन ने इसी प्रकार युद्ध भूमि में कर्ण को पराजित करके बादल के गर्जना के समान महाभयंकर सिंहनाद किया। इसकी पुष्टि धृतराष्ट्र और संजय के इस संवाद में भी है जहां धृतराष्ट्र कहते हैं, हे सूत मेरा पुत्र दुर्योधन कर्ण को पाकर ही युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और सातकी आदि यादवों के सहित कुंती पुत्रों को जीतने का उत्साह किया करता है, परंतु युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के समीप कर्ण के बार बार पराजित होने का वृतांत सुनकर मैं मोहित हो रहा हूँ। मैं अपने पुत्र की दुष्ट नीति से संपूर्ण कौरवों को नष्ट हुआ ही समझ रहा हूँ, क्योंकि संजय कर्ण कभी महाधनुर्धर कुंती पुत्रों को पराजित नहीं कर सकेंगे। कर्ण ने पांडवों के संग जो जो युद्ध किए उन सब में पांडवों ने ही युद्ध भूमि में कर्ण को जीता है। तो कर्ण न अभिमन्यु को पराजित कर पाया, न भीम को, न गंधर्वों को, तो क्यों कर्ण को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, आप स्वयं सोचिए। चैप्टर 7 कर्ण एंड शल्य। महाभारत का कर्ण पर्व कर्ण के सेनापति बनने से कर्ण के वध तक का विवरण देता है। कर्ण के सेनापति बनने पर 2 दिन तक युद्ध चला। कर्ण पर्व के अनुसार सेनापति बनने पर कर्ण ने दुर्योधन से कुछ ऐसा कहा, रात बीत गई और प्रातःकाल होते ही महाबाहु कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया और उससे मिलकर कहने लगा, हे राजन आज हम यशस्वी पांडु पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे, हम उस वीर को आज युद्ध में मारेंगे या वही हमको मारेगा। कर्ण ने यहाँ पहले अपने गुण बताए।
और फिर बोला, परंतु वीर पांडु पुत्र अर्जुन जिस कारण मुझसे श्रेष्ठ है वह भी सुनो। अर्जुन के सारथी सर्वलोक पूजित श्री कृष्ण है, जगतकर्ता श्री कृष्ण उनके रथ की रक्षा करते हैं। हम इन सब सामग्रियों से हीन है तो भी पांडु पुत्र अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। ये युद्ध में शोभा पाने वाले वीर राजा शल्य श्री कृष्ण के समान है। यदि ये मेरे सारथी का काम करे तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। सारथी का पद शल्य ने संभाल तो लिया, पर वो स्वयं कर्ण को अर्जुन के समक्ष कम ही आंकते थे। कर्ण को उसके ओवर कॉन्फिडेंस पर झाड़ते हुए शल्य ने ये वचन कह दिए थे। जब मरुप्रदेश में घोष यात्रा के समय गंधर्वों ने शत्रु बनकर दुर्योधन का हरण कर लिया था, तब अर्जुन ने सूर्य से निर्मित श्रेष्ठ तीरों द्वारा उन अनेक शत्रुओं को मारकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को छुड़ाया था। क्या तुम्हें इस घटना का स्मरण है? क्या तुम्हें याद है जब उस युद्ध में तुम सबसे पहले भाग गए थे, तब पांडवों ने गंधर्वों को पराजित करके धृतराष्ट्र पुत्रों को छुड़ाया था? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब तुम लोगों ने सेना और वाहनों से युक्त होकर गोहरण के समय विराट नगर पर आक्रमण किया था, तब अकेले पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने द्रोणाचार्य अश्वत्थामा और भीष्म के सहित तुम्हें जीत लिया था? तुमने तभी अर्जुन को क्यों नहीं जीत लिया था? तो शल्य के कहे ये वचन भी स्पष्ट करते हैं कि कर्ण के वास्तविक युद्धों की क्या पोजीशन थी। चैप्टर 8 द एंड गेम टीवी सीरियल्स में अक्सर दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण कर्ण से होने वाले युद्ध के समय कर्ण का गुणगान करते हुए अर्जुन को बहुत सी बातें सुनाते हैं। आइए इसका सत्य भी जान लेते हैं। कर्ण पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे वानर ध्वज, यह राधा पुत्र कर्ण तुम्हें देख कर लौटा है। जैसे प्रदीप्त अग्नि के मुख में पतंगा आ पड़ता है, वैसे ही कर्ण अपने वध के लिए तुम्हारे पास आया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के शौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो क्या ये टीवी सीरियल्स और उससे ज्ञान पाने वाले ये लोग अर्जुन और कर्ण को श्री कृष्ण से अधिक जानते हैं? इसके पश्चात कर्ण पर्व के अनुसार कर्ण और अर्जुन का एक भीषण युद्ध होता है। फिर कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है। तब कर्ण कहता है, हे धनंजय, मैं जब तक इस रथ के पहिए को पृथ्वी से निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथारूढ़ होकर मुझ असज और भूमि पर खड़े हुए पर बाण मत छोड़ो। हे पांडु पुत्र, हम तुमसे और श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं डरते हैं। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, महान कुल का आदर बढ़ाने वाले हो, इसलिए हम तुमसे कहते हैं धर्म उपदेश का स्मरण करते हुए दो घड़ी ठहर जाओ। मृत्यु देखकर धर्म की बात करने वाले कर्ण को श्री कृष्ण उसका वास्तविक रूप दिखाते हुए कहते हैं कि हे राधा पुत्र, तुमने आज प्रारब्ध से धर्म का स्मरण किया है। तुम्हारे समान नीच मनुष्य आपत्ति में पड़ने पर ही प्रारब्ध की निंदा करते हैं परंतु अपने बुरे कर्म का स्मरण नहीं करते। हे कर्ण, जिस समय तुम दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली द्रौपदी को सभा में बुलाया था, तब तुमने धर्म नहीं समझा था क्या? जब जुए के खेल को न जानने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर को जुए के खेल को जानने वाले शकुनी ने दृष्टता से कौरव सभा में जीता था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? हे कर्ण, जब सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को देखकर तुम हंसे थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? हे कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की मंत्रणा से जब धर्मराज को दूसरी बार जुआ खेलने के लिए बुलाया था तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? तो यहाँ भी श्री कृष्ण ने कर्ण का चरित्र सबके समक्ष रख दिया। अब कई बार सीरियल्स में दिखाया जाता है कि कर्ण जब मारा गया तब वो अस्त्रहीन था, पर कर्ण पर्व के अनुसार ऐसा है ही नहीं। कर्ण ने विरत होकर कई अस्त्र चलाए थे। जैसे ये श्लोक देखिए, यह देखकर कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाकर अनेक बाणों की वर्षा की और फिर रथ के पहियों को उठाने का प्रयत्न किया। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्रों का निवारण कर दिया और उसको घायल किया, परंतु कर्ण ने वरुण अस्त्र से उस अग्नि को शांत कर दिया। उस समय सब दिशाओं में मेघ छा गए और घोर अंधकार हो गया। उनका युद्ध काफी देर तक चला और युद्ध का अंत कुछ ऐसा हुआ। उसे मंत्र विशारद अर्जुन ने उत्तम और महान अस्त्र से अभिमंत्रित करके उत्तम शब्द वाले गांडीव धनुष को खींचते हुए कहा, यह महान अप्रतिम अस्त्र से युक्त बाण शत्रु के शरीर, प्राण और हृदय का नाश करने वाला है। किरीटधारी अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न हो शत्रु को मार डालने की इच्छा से आतताई बनकर चंद्रमा और सूर्य के समान प्रभावी उस विजयदायी श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को छेद डाला। जैसे लाल मंडल वाले सूर्य अस्ताचल से गिरते हैं, ऐसे उदित सूर्य के समान तेजस्वी और शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले सूर्य के समान तापदायक वह सिर कटकर पृथ्वी में गिर गया। सदा सुख भोगने योग्य उदार कर्म करने वाले कर्ण के अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने अत्यंत कष्ट से छोड़ा, जैसे धनवान अपने समृद्ध घर को और जितेंद्रिय पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ता है। तो सिंपली कहें तो कर्ण का सिर कटकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ जब कर्ण मर गया, उसका सिर कट गया, तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन की दान मांगने वाली बात और कर्ण की सोने की दात देने वाली बात भी झूठी ही सिद्ध होती है। इसके पश्चात आपको इन श्लोकों को भी देखना चाहिए।
संजय बोले, हे राजन, कर्ण के मरने और तुम्हारी सेना के भागने के पश्चात श्री कृष्ण प्रसन्न होकर और अर्जुन को आलिंगन देकर ऐसे वचन बोले, धनंजय, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था ऐसे तुमने कर्ण को मारा। कर्ण और वृत्रासुर इन दोनों के वध का वृतांत मनुष्य बहुत दिन तक कहते रहेंगे। हे कौन्ते, अब चलो, यह तुम्हारे यश बढ़ाने वाला और प्रसिद्ध पराक्रम वृतांत हम दोनों बुद्धिमान कुरुराज से निवेदन करें। उन सब शूरवीरों की सम्मति से श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ राजभवन में जाकर राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया। तो यहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के रथ से उतरने पर रथ के जलने या टूटने का वर्णन आता ही नहीं है, अर्थात वह कथा भी कल्पित पकोड़ा मात्र है। आशा है आज आपके कुछ भ्रम और टूट गए होंगे। मेरा इस वीडियो के पीछे का मूल उद्देश्य है कि आप TRP के गुलाम TV सीरियल्स से नहीं, सत्य ऑथेंटिक ग्रंथों से जाने। और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।